जोड़े हैं, मेघवाल समाज के दो जोड़े हैं, समाज के तीन जोड़े हैं, और लड़कों को घोड़ियों पे बिठाकर और 12 बजे से नगर भ्रमण करवाते हैं। समरसता का महादेव जी की कृपा से शिवरात्रि पर यह आयोजन किया जाता है। निशुल्क कन्या विवाह, 21 जोड़ों का निशुल्क कन्या विवाह है, रुद्र महायज्ञ है, विशाल भंडारा है और शिव पुराण कथा है, और 17 तारीख को चंबल माँ चंबल की आरती का आयोजन रखा गया। 18 तारीख को गोधूली बेला पर विवाह के पहले बच्चियों को बग्घी में और बच्चों को घोड़ी पे बिठाकर और पूरा शिवपुरा का नगर भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद उन्हें गोधूली बेला पर फेरे में ले लिया जाता है और फेरे का कार्यक्रम कराया जाता है। कितने जोड़े? 21 जोड़े हैं। अच्छा, किस तरह से रखा गया है इनको, मापदंड क्या रखा गया? मापदंड ये रखा गया है कि विधवा, परित्यागता, किसी के माता पिता नहीं है, अपाइज, इस पर का अपाइज भी है एक जोड़ा इसमें, इस प्रकार के मतलब जिन्हें वो एक जिस तरह से विवाह का खर्चा से बचे और उन लोगों को सुरक्षा मिले बिना काम। 12 से 18 तक आयोजन चलेंगे, 12 से 18 तक आयोजन चलेंगे। कल से कलश यात्रा है और 18 तारीख को पूर्णावती है। ये जो नोटबंदी और कोरोना काल के बाद 2016 से 7 साल के लिए आयोजन बंद हो गया था, क्योंकि ये सभी के जन सहयोग से, भामाशाओं की मदद से ये कार्यक्रम हम करते हुए आ रहे हैं। 500-700 से ज़्यादा बच्चियों का विवाह सोमेश्वर समिति के द्वारा करवाया गया है पहले, अब 7 साल के बाद हमने ये वापस से चालू किया है। इसका हमारा लक्ष्य 41 जोड़ों का था, लेकिन नियमों में थोड़ा सा कठिनाई है समाज कल्याण विभाग की, तो 21 ही जोड़े हमारे हो पाए हैं। इन फ्यूचर भविष्य में इसको 51-101 जोड़ों के साथ बढ़ा के हम ये अब इसको हर साल हमेशा के लिए चालू किया है, वापस दोबारा से सब लोगों ने एकजुटता दिखा के। और 12 तारीख से कल से कलश यात्रा चालू है, फिर 13 तारीख से अग्नि मंथन पूजन हवन चालू है, 16 तारीख को शिव बरात है, 17 तारीख को पंचमुखी सोमेश्वर विशेष श्रृंगार है, माँ चंबल की आरती है, गोधूली बेला में सबको विवाह करा के 25-30 हज़ार लोगों का जो ये 4-5 वार्ड है, इन सब लोगों के रिश्तेदार हैं, इनको सबको 25-30 हज़ार लोगों का या सभी के जन सहयोग से भोजन का कार्यक्रम भी होता है। तो आप लोगों के बाल कल्याण समिति से क्या आग्रह, क्योंकि नियमों में काफी कठिनाई है। समिति से हमारा यही निवेदन है और आप मीडिया बंधुओं के उससे यही आग्रह करना चाहते हैं, हम करबद्ध निवेदन है हमारा कि नियमों में थोड़ा सा सरलीकरण किया जाए, कि जैसे हम सभी लोग जन सहयोग से उनका विवाह कर रहे हैं, निःशुल्क विवाह कर रहे हैं, तो कम से कम जो भी एज वेराइटी है वो आधार कार्ड या मार्कशीट के हिसाब से मान ली जाए। मेडिकल ज्यूरिस्ट और ये अस्पतालों के चक्कर कटवाना, इन लोगों को बंद करवाना चाहिए।